प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट से जुड़े 6100 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मध्य प्रदेश के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी शामिल है। इन तीनों एयरपोर्ट के शुरू होने से पैसेंजर्स अराइवल की क्षमता सालाना 2.3 करोड़ बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने वाराणसी से वर्चुअली तरीके से ये उद्घाटन किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार के साथ साथ नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी गई। ये 2870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। वहीं आगरा एयरपोर्ट पर 570 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले सिविल एनक्लेव को भी आधारशिला रखी गई। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर 910 करोड़ और पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर 1550 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले सिविल एनक्लेव को भी शिलान्यास किया गया।